गुड मॉर्निंग गाइस, एक और नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक फ़ोटोशूट पे, क्योंकि यार किसी ने बोला था कि फ़ोटोशूट करना है एक बाइक पे। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग एक ऐसे रोड पे जाएंगे जहाँ पे लोग बिल्कुल भी ना के बराबर हो, क्योंकि हमको वहाँ पर उड़ाना है अपना ड्रोन भी और एक ब्लॉग भी शॉर्ट शूट करना है। क्या चला उनको भी इससे बैठा देगा बोलते। ये तीन लोग हैं अपने साथ, उसमें से एक है फोटोग्राफर, बाकी अपने दोस्त लोग हैं। तो अभी फ्यूल मैंने इसमें इसलिए कम रखा है क्योंकि बाइक चलती नहीं है यार ज़्यादा, बाइक सिर्फ रखी रहती है। तो थोड़ा सा 100 रुपये का पेट्रोल भर लेंगे अपन अभी थोड़े से देर बाद, जैसे ही फ्यूल स्टेशन मिलता है। और ये देखिए भैया कितना बढ़िया मौसम है, अभी तक धूप नहीं निकली है 6:30 बजे, क्योंकि ऊपर थोड़ा बादल बादल ही है। पहले अपन फ्यूल भरेंगे यहाँ पर 100 रुपये का, और फिर निकलते हैं। रिलायंस में भरेंगे अपन, नहीं भरेंगे यहाँ पे, 2 मिनट के लिए बाइक रुकाएगा। तो सो मैं ये बोल रहा था कि इसमें हम लोग एक फ़ोटो शूट छोटा सा देखेंगे इस ब्लॉग में, और कुछ जो एक्सेसरीज़ मैंने पहले आपको बताया था कि मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ, मैं आपको बताऊँगा करके बाइक के साथ, तो वो भी इसमें कवर करेंगे इस ब्लॉग में। एक बस हम लोगों को एक छोटी सी सुनसान जगह देखने का है जहाँ पे कोई लोग ना हो, जहाँ पे मैं प्रॉपर व्लॉग शूट कर सकूँ, इसीलिए हम लोग निकले हैं सुबह सुबह। और लॉकडाउन की वजह से 11 बजे के बाद यार रिस्ट्रिक्शन है, सो उसके पहले ही हम लोगों को पूरा शूट करना पड़ेगा। तो बस बने रहिए। और गाइस, बाइक मैंने बहुत दिनों बाद हाथ में लिया है, तो एक अलग ही फीलिंग आ रही है आज बाइक चलाने में, क्योंकि लगभग लॉकडाउन के बाद तो लिया ही नहीं था यार, मैंने राइड पे निकला ही नहीं था। छोटी ये छोटी मोटी राइड है, लेकिन थोड़ी एक रिफ्रेशमेंट के लिए, एक माइंड रिफ्रेश होने के लिए बहुत अच्छी राइड है ये। साथ में व्लॉग भी शूट हो रहा है तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है। लेफ्ट लेना पड़ेगा और फिर पूरा सीमेंट रोड है, सुनसान रोड है, देखते हैं ब्लॉग शूट कर पाएंगे या नहीं। आन देना उनको, आते ना, अभी यहाँ पे रुके हैं, उनका वेट कर रहे हैं। और तब तक मैं गियर अप हो जाता हूँ, अपने पूरे गियर्स पहन लेता हूँ, गियर्स का जैकेट ही पहनना है और ग्लव्स। तो अभी हम लोग इधर रुके हैं, बस अभी यहाँ पे रुके, वो दोनों तीनों का वेट कर रहे हैं, तब तक मैं अपना गियर अप हो जाता हूँ, जैकेट वगैरह पहन लेता हूँ। कुछ ज़्यादा तो नहीं है अपने पास, अभी फ़िलहाल गियर्स लाया नहीं है मैंने, लेकिन फिर भी जैकेट पहन लेता हूँ और फिर आपको पूरा बताता हूँ कि मैं राइड किस तरह करता हूँ। चालू करता हूँ। ये अपना टॉप बॉक्स है, इसको चाबी से खोलते हैं, इसको निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं आराम से। ये है अपना नी पैड्स, ये मैंने लिया था मुंबई से, जो अपन अपने इसको लगाते हैं, इसको ये लगाना बहुत सेफली रहता है बाइक राइड के लिए, लॉन्ग राइड जब आप करते हो और इतनी भारी बाइक लेके जाते हो तो। और फिर आता है ये केबल्स, ये तो सबसे मेन है केबल्स, क्योंकि आपका लगेज भी जो भी रहता है लटकाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप रस्सी से बांधोगे तो उतना फिट नहीं बैठता है, लेकिन इस केबल से आप कोई भी लगेज लगा लो हिलता ही नहीं है। तो यार मोटो व्लॉगिंग के लिए सबसे मेन होता है ये वाला अपना गोप्रो का केस, उसमें आप लोग ये माइक अडाप्टर भी लगा सकते हो, और प्लस इसके अंदर माइक है, यहाँ पे अंदर मैंने फिट किया है, ये अभी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन इसका भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं कि किस तरह से मोटो व्लॉगिंग का सेट बनाते हैं अपन, हेलमेट का, गोप्रो का जो भी है। तो ये है अपना गियर, इस तरह जैकेट पहना है, ये ग्लव्स है, ज़्यादा 1500 के ग्लव्स थे और ये जैकेट था कुछ 3500 का। इसमें गार्ड्स भी है, ये एल्बो गार्ड है, पीछे भी गार्ड है, आप देख रहे हो गिरे हुए थे यार, कुछ होगा ही नहीं आप लोगों को। सो इस तरह का है। अभी मैं बताता हूँ कि बाइक में मैं अपने क्या क्या एक्सेसरीज़ यूज़ करता हूँ, कैमरा देना भाई। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये देख ही लिया है, इसको बस इस चाबी से खोलना बंद करना पड़ता है, प्लस मैं आपको दिखाता हूँ ये मैंने एक्स्ट्रा लगा के रखा है यहाँ पैर रखने के लिए, क्योंकि जब पिलियन बैठता है तो उसको कम्फर्टेबल लॉन्ग राइड के लिए चाहिए पैर रखने के लिए। और इधर से भी लगाया मैंने, ये है सैडल स्टे और ये टॉप रैक का स्टे, सो ये सब अलग से लगाया मैंने इस डोमिनोर में, प्लस ये नी गार्ड मैंने अलग से लगाया है,
इसको कस्टमाइज़ करके। और ये है नकल गार्ड, ये भी मैंने दिल्ली से ख़रीदा था, प्लस ये विंडशील्ड कट जा रहा है, प्लस ये विंडशील्ड लिया है मैंने, इसको भी मैंने दिल्ली से ही ख़रीदा था, क्योंकि ये भी एक बहुत बढ़िया रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है जब आप लॉन्ग राइड के लिए निकलते हो, क्योंकि जब वो विंड्स आते हैं तो छाती में लगता है, तो बहुत पेन होता है अपना चेस्ट। सो अभी ये नकल गार्ड ये रहा, और यहाँ पे मैंने फॉग लाइट लगाया था, ऑक्सलाइट फॉग लाइट जो भी बोलते हैं, अभी निकाल दिया है फिलहाल, चोरी होती है इसलिए। प्लस बस इतनी एक्सेसरीज है, और ये है अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए, और ये एक्स्ट्रा लिया है मैंने हेलमेट लटकाने के लिए लॉक। ये दो स्विचेस मैंने एक्स्ट्रा लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने को जो फॉग लाइट मैंने अभी आपको दिखाया जहाँ पे लगा के था, जो अभी मैंने फ़िलहाल निकाल दिया है, उसके स्विचेस है वो अंदर से, इसको हम लोग फिर वायरिंग कर सकते हैं अच्छे से। और बस इतना ही था, ये जो एक्सेसरीज थी, ये गियर पे लगा के रखा है थोड़ा अच्छे से गियर दबाने के लिए, क्योंकि जब लॉन्ग राइड पर निकलते हो गियर मार मार के पैर दुख जाते हैं, तो वो थोड़ा पैर को अच्छे से आराम देता है। बहुत दिन बाद राइड के लिए निकला हूँ, छोटी सी राइड थी दोस्तों, लेकिन बढ़िया मज़ा आया, क्योंकि ये पूरा रोड ही खाली है, इसमें थोड़ा सा हाथ खोले करेंगे अपन, थोड़े से बाइक को भी थोड़ा राइड देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिन से घर पर बैठी थी, और अभी फ़िलहाल चलते हैं फ़ोटोशूट के लिए अपन। तो ये भाई लोग है अपना, ये बीच वाला फ़ोटोग्राफर है, तो अभी अपन फ़ोटोशूट करेंगे, सामने फ़ोटोग्राफर खड़ा है, तो मैं बस फ़ोटोशूट के लिए बाइक लेके जा रहा हूँ। बताएगा बहुत अच्छा सेशन था ये, ज़्यादा लंबा व्लॉग तो नहीं बनेगा शायद, लेकिन बहुत बढ़िया फ़ोटो निकाला भाई ने। अभी जाते हैं ड्रोन उड़ाने, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा लेक दिखा है हम लोगों को, उस लेक से अपन उड़ाएंगे ड्रोन। हाँ किधर चलने का? लेना उधर पीछे। अभी थोड़ा सूरज ऊपर आ गया है, गर्मी लग रही है इस जैकेट में, अच्छा हुआ मैंने इसका विंटर लाइनर, वो समर लाइनर जो भी है, रेनकोट और विंटर लाइनर निकाल के लाया, नहीं तो और गर्मी होती थी यार इसमें। और बढ़िया खाली रोड था थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी थोड़ा ट्रक्स वगैरह आना स्टार्ट हो गई है इस रोड से, सो अभी कुछ रिक्स नहीं लेना है अपने को, सीधा हम लोग उड़ाएंगे यहाँ से ड्रोन। ये सामने शायद नदी दिख रही होगी आपको, किधर जाते अपन? भाई को एक रास्ता दिखा है, सो अभी पलटा के हम लोग अंदर जाएंगे इधर। अरे वाह 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 वाह, खेत में आके ड्रोन उड़ाएंगे अभी अपन। तो भाई ये ड्रोन इस बॉक्स के अंदर, और हम लोग शायद उधर जाके ड्रोन उड़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा लेक दिख रहा है, तो ये ऑफ रोडिंग में थोड़ा सा जाएंगे हम लोग। ये सीधा सीधा रोड था, लेकिन वापस आ गए हम लोग, तो अभी यहाँ से अंदर जाएंगे और उधर जाके हम लोग ड्रोन उड़ाएंगे। ये थोड़ा सा गाँव के अंदर थोड़ा ऑफ रोडिंग करते हुए, यहाँ पर यार कुत्तों का डर बहुत रहता है, लेकिन कोई नहीं, एक शॉट लेने के लिए जाना तो बनता है, वहाँ तक चले जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, बस यही पेड़ के पास ही, वहाँ ही बाइक लगाएंगे और हम लोग अंदर जाएंगे तालाब के पास। चलते हैं थोड़ा सा अंदर और फिर उड़ाएंगे अपन ड्रोन यहाँ से। कहाँ तक बाइक जाती है देखेंगे, पूरा बढ़िया लग रहा है भैया ऐसे मौसम में बाइक, ऐसी जगह पर बाइक लाने को थोड़ा और अच्छा लगता है, और यहाँ पे छोटी मोटी फोटोग्राफी भी हो जाएंगी हम लोगों की। थोड़ा सा तालाब के पास लेके जाएंगे अपन बाइक, ताकि अच्छे से फोटोग्राफी कर सके। और गड्ढे विड्ढे बहुत है भाई यहाँ पे, संभाल के ले जाना पड़ेगा, लेकिन ये बाइक बहुत कंफर्टेबली राइड हो जाती है ऐसी जगह पे, इतना भी ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं है,
बस यहीं पे थोड़ी जगह देख के बाइक पार्क करेंगे और इस तालाब से उड़ाएंगे अपन ड्रोन।